लोकायत के नए वीडियोस के अपडेट रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर व्हाट इज जेनरस इंट्रोडक्शन, आई डोंट डिजर्व दैट। मुझे लगता है कि मैं बस खोजने में लगा हूँ जो मेरे इंटरेस्ट हैं। मैं दौड़ भाग करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। इनफैक्ट जब मेरा अपॉइंटमेंट जेएनयू में हुआ तो वहाँ बोर्ड में ये डिबेट चलने लगा कि आदमी तो इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन ये पढ़ाएगा क्या। पुणे के एक प्रोफेसर थे, गोपाल गुरु, उन्होंने कहा अरे जो भी पढ़ाएगा कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा, तो आने दो इसको अंदर। जब से मैं गया हूँ तब से अभी तो ढूंढ रहा हूँ मैं पढ़ाऊँगा क्या, और ढूंढता रहता हूँ। लोग भी परेशान रहते हैं मुझसे क्योंकि मैं नई नई बातें करता हूँ, फिर वो कहते हैं अरे फिर नई बात तुम करने लगे, सारा सिलेबस तुमने गड़बड़ कर दिया। तो मुझे लगता है ये गड़बड़ करने का मेरा आदत है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मुझे गांव में किसी ने बताया, जब मैं ये फील्ड वर्क कर रहा था न्याय फिलॉसफी में, न्याय फिलॉसफी भारतीय दर्शन का एक फिलॉसफी है, तो गाँव में उसने कहा कि न्याय की खास बात यह है कि वो कहता है तीन तरह से डिबेट होता है, तीन तरह से डिबेट चलता है। एक को कहते हैं वाद। वाद का मतलब है कि जब जानने के लिए हम डिबेट करते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट का डिबेट है उसमें वाद है कि हम जानना चाहते हैं, सवाल पूछते हैं बार बार, तो सवाल से टीचर नाराज़ नहीं होता है, उसको उत्तर देने की कोशिश करता है, वो सीखने की प्रक्रिया होती है, वाद। दूसरा विवाद होता है जो जीतने के लिए होता है, जो कोर्ट में जब देखते हैं जज और लॉयर के बीच में, जब दो लॉयर के बीच में चलता है तो वो विवाद है, उसमें जीतना है, तो बहुत सारे फैक्ट्स को दबा लेते हैं, बहुत सारे नए फैक्ट्स को डालते हैं, बहुत सारा गड़बड़ करते हैं उसमें, वो विवाद है। और एक और है, उसे कहते हैं वितंडा, वितंडवाद जिसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब आपको मालूम हो गया कि ना जीत सकते हैं हम ना हार सकते हैं या हम हारने वाले हैं, तो आप उसे कहीं से कहीं लेके चले जाओ, खुद से कुछ बोलने लगो, तो डिबेट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे, तो उनको मैं ये बता रहा था, तो उनकी जो टीचर थी वो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा क्यों इतना खुश हो रही हैं, तो उसने कहा अब मुझे मालूम हुआ कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ हमेशा वितंडा करता है। तो मुझे लगता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो वाद के लिए बातचीत करें, समझने के लिए बातचीत करें। गांधी को समझने की मैं भी कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट जब मैं क्लास में पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं पहली बात शुरू करता हूँ, मुझे तो गांधी गड़बड़ आदमी लगता है, तो लड़के बिल्कुल सचेत हो जाते हैं, अरे गड़बड़ कैसे कह रहा है ये आदमी। तो कहते हैं कि कैसे आप कह रहे हो, मैंने कहा देखो एक आदमी कभी गांव में रहा नहीं, गांव की बातें करता है, किसान रहा नहीं, किसान की बातें करता है, हिंदुस्तान आता है किसानों के बारे में बात करके किसानों को ठग वग के मूवमेंट में ले आता है, जब किसान मूवमेंट कर देते हैं फ्रीडम मिल जाता है, तब फिर नेहरू को सत्ता दे देता है, इससे किसानों से कोई मतलब नहीं है, और फिर अपने वो रिटायर हो जाता है, तो किसान भी ठगे रह जाते हैं उसके बाद, आज तक ठगे हुए हैं किसान, ये मामला क्या है इनका। तो वहाँ से हमारी खोज शुरू होती है, या देखें ये क्या क्या करते हैं, क्या कहते हैं। तो पहली बात ये आती है कि भाई इतना गांधी, आजकल लोग इतने गांधी के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, और तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ गांधी जो है वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री का, जो किताब पब्लिश करने वाला इंडस्ट्री है, उसका ब्लू आइड बेबी है वो गांधी। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने अपनी किताब जो थीसिस पब्लिश करना था तो एक बड़े पब्लिशर को दिया थीसिस, तो उसने कहा पब्लिश तो कर देंगे लेकिन इसका खर्चा कैसे निकलेगा। तो इसका खर्चा तभी निकलेगा जब गांधी पे किताब आप एडिट कर दो, यानी गांधी पे आप किताब लिख दो तो कोई पब्लिशर आपसे ले लेगा, बड़ा से बड़ा पब्लिशर कहेगा गांधी पे दे दो किताब हम ले लेंगे, क्योंकि गांधी किताब बिकने लगी है, बहुत बहुत बिकती है, दुनिया भर में खूब बिकती है, खूब लोग लिखते हैं। साल भर में किसी दो आदमी पे यदि सबसे ज़्यादा किताबें निकलती हैं तो एक है अम्बेडकर, दूसरा है गांधी, और कुछ लोग ऐसे जो दोनों पे मिला के लिखते हैं तो वो तो जोरबाग में घर खरीद लेते हैं। जोरबाग दिल्ली में बहुत पॉश एरिया है, मतलब जैसे लिख दिया उसमें कि गांधी अम्बेडकर के खिलाफ थे, अब एक जोश पैदा हुआ, वो किताब खूब बिकी। आप पता नहीं जानते कि नहीं उसके बारे में, ये अरुंधति रॉय हैं, बहुत अच्छी विद्वान हैं, उनकी किताब है अम्बेडकर के ऊपर। तो जिसको किताब पब्लिश करना है, बेचना है, वो गांधी पे कुछ लिख देते हैं, और कोई ऐसी बात लिख देते हैं जो कि जनरली नहीं होती, उसके बारे में लोग जानते हैं, तो और वो किताब बिकती है।
वैसे ही जैसे आपको राजनीति में फेमस होना हो, बहुत आसान काम है। आप राजघाट चले जाओ, थोड़ा खोद दो उसको, कुछ तोड़ दो वहाँ पे, अगले दिन अखबार के हेडलाइन में होगा इसने गांधी को तोड़ दिया वहाँ पे, और वो फिर आप हो गए पॉलिटिशियन हो गए। तो ये गांधी को लेके एक और चीज़ होती है, वो है आजकल ये पीस मूवमेंट वाले बहुत है दुनिया भर में, वो गांधी को पीस का आइकॉन बना दिया है कि पीस के बहुत बड़े पुजारी थे और शांति के बड़े पुजारी थे। मुझे तो बिल्कुल उल्टा लगता है, ये आदमी खुद भी अशांत थे और किसी को शांति से बैठने ही नहीं देते थे। और जब तब उठ के कहीं चले जाते थे, सब पूरा देश फिर उनके पीछे पीछे भागता था कि चलो अब कहाँ चला गया ये आदमी, फिर ढूंढो उसको। जब वो नवाखाली चले गए तो पूरा पूरा कैबिनेट यहाँ से उठ के गया, वहाँ जाके कलकत्ता में बैठ के सर ठोकरा कि आप ये क्या कर रहे हो भाई, वापस चलो, आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुमको जो करना है करो। तो वो एक्चुअली तो वॉरियर थे, वो एक्चुअली तो लड़ने वाले आदमी थे, संघर्ष करने वाले आदमी थे। सिर्फ उनका ये कहना था कि संघर्ष जो है वो शांतिपूर्वक करो, इसमें इंसान को मारो मत, क्योंकि इंसान ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है, इंसान ही सबसे बड़ी चीज़ है। इसको मार ही दोगे तो फिर बात क्या बचेगी, लेकिन संघर्ष छोड़ो मत, आखिरी दम तक संघर्ष मत छोड़ो। एक मेरे प्रोफेसर हैं, थे अब तो जेएनयू में वो आए, जेएनयू तो बड़ा मार्क्सवादियों का अड्डा था उस टाइम में, अभी भी है, अब तो खैर राष्ट्रद्रोहियों का भी अड्डा हो गया। तो उनसे कोई मार्क्सवादी लड़का बड़ा नाराज़ होकर पूछा कि प्रोफेसर रणधीर सिंह ये बताइए कि क्या गांधी एक उदारवादी थे, लिबरल थे, या गांधी मार्क्सवादी थे, और क्या गांधी का कोई महत्व आज है। तो वो प्रोफेसर रणधीर सिंह जो थे हमारे के बड़े लेजेंडरी फिगर थे, ये 1942 में लाहौर में जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसके बड़े नेता थे यंग एज में, और भीष्म साहनी का नाम आपने सुना होगा, ये दोनों दोस्त थे, तो वहाँ से इंडिया आ गए थे लोग। तो उन्होंने कहा कि देखो गांधी ना तो उदारवादी था ना मार्क्सवादी था, इसीलिए आज सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वो, क्योंकि उनको आप बांधने की कोशिश करोगे तो बांध नहीं पाओगे, वो बांधना बहुत मुश्किल है और यही उसकी खासियत है। तो वहाँ से यात्रा शुरू होती है गांधी को समझने की। अभी समझने में एक इंसान है जिनका नाम है इरफान हबीब, नाम सुना होगा, अपने इतिहास के बड़े विद्वान हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। उनका एक आर्टिकल है, वो एक सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि गांधी सबके दिलों में क्यों, केवल गांधी ही और गांधी सबके दिलों में क्यों पहुंच गया, मतलब दिलों में इतना पहुंच गया कि जब पुणे पैक्ट पे बहस चल रही थी तो अंबेडकर की पत्नी ने हाथ जोड़ के अंबेडकर से कहा कि भाई जो करना है करो, ये बूढ़ा आदमी मर गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करूँगी। यानी कि इतना ज़्यादा वो हर आदमी के दिल के अंदर बैठे हुए थे कि कोई उनको मरते हुए देखना नहीं चाहता था। हर आदमी उसे विरोधी भी जो था वो भी चाहता था कि नहीं ये आदमी रहे और देखे क्या कर रहा है, ये सब उनके लिए एक क्वेरी था कि कौन है, क्या कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है। मतलब यहाँ तक थी हालत कि चौरी चौरा का नाम सुना होगा, चौरी चौरा में जब कांड हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूँ, मूवमेंट को विड्रॉ करता हूँ अचानक से। अब पूरा का पूरा कांग्रेस बैठा हुआ उनके कैबिन इस सामने ड्राइंग रूम में, और कह रहा कि आप क्या कर रहे हो, अभी तो अंग्रेजों को भगाने का अच्छा मौका है, क्यों कर रहे हो ऐसा। वो कहते हैं कुछ नहीं, ये मेरे दिल की आवाज़ है, फिनिश। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भाड़ में जाए आपके दिल की आवाज़, आप हटिए लीडरशिप से, बाहर छोड़िए, हम लोग आगे जाएंगे। कोई नहीं कह पा रहा हमसे, एक लाइन कह दिया फिर अपना चरखा काटने लगे, फिर मैं जा रहा हूँ बकरी को घास देने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ तुम्हारी बात, बस बात खत्म हो गई। ये कमाल के आदमी थे, कैसे इतना कर पाते थे, कैसे लोगों के दिल में इतना बैठे हुए थे कि जब मर्जी जो कहते थे पूरा देश फिर उधर मूव करने लगता था, जादूगर टाइप के कोई आदमी थे। तो इरफान हबीब का जवाब जो है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि इरफान हबीब भी एक इनक्योरेबल मार्क्सिस्ट हैं। मार्क्सिस्ट लोग अक्सर इनक्योरेबल होते हैं, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि एक बार मार्क्सिस्ट हो गए तो फंस गए उसमें, जिंदगी भर आप कहते रहोगे कि मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक होने की कोशिश, ठीक नहीं हो पा रहा, कि उनको ये दिल की आवाज़ समझ में नहीं आती है। आज भी बहुत बहस हुई कि क्या दिल की आवाज़ क्या हो सकती है, दिल में कोई आवाज़ थोड़ी होती है, ये क्या आवाज़ है, वो दिल और मन, ये सब बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि बड़ा मतलब मैं भी मार्क्सिस्ट हूँ, मेरा भी ये प्रॉब्लम रहता है, बट मुझे बात समझ में आती है कि बड़ा ये क्राइसिस है।
मैं अभी बात करूंगा कि कैसे क्यों गांधी उतना कर पाते थे और क्या गांधी के अधूरे सपने थे जिन्हें हमें पूरा करने की ज़रूरत है। और अभी शायद समय आ गया है जब 150 साल के बाद अब ये लगने लगा है कि वो आदमी बहुत महत्वपूर्ण था। हाल में मैं कुछ दिन पहले, साल दो साल पहले, मैं लंदन गया था तो वहाँ गांधी की एक मूर्ति लगी हुई है बड़े बड़े लोगों के बीच में। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, अचानक स्कूल के कुछ बच्चे आए और सारे बच्चे गांधी की मूर्ति के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैंने कहा ये कमाल है, ये इंग्लैंड के बच्चे हैं। मैं गया उनके टीचर्स के पास, मैंने पूछा कि ये साउथ एशिया के बच्चे हैं क्या? बोला कि नहीं, तरह तरह के बच्चे हैं, काफ़ी ब्रिटिश हैं उसमें। तो मैंने कहा आप क्या गांधी पढ़ा रहे हो इसलिए उनको ला रहे हो फोटो खिंचवाने? बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये घूमने लाए हैं, सबको दिखाने लाए, सब गांधी के साथ ही फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। मैंने क्या ऐसी क्या बात हो गई है? कहा कि समहाउ इन बच्चों को भी गांधी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ये कहानियाँ सुन रहे हैं, जो फिल्म देख रहे हैं या डिबेट चल रहा है सोसाइटी के अंदर, वहाँ भी वो गांधी उनको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि गांधी इस वक्त अचानक से ज़्यादा रेलिवेंट हो गए लोगों के लिए। और शायद रेलिवेंट इसलिए हो गए हैं कि जो क्राइसिस हम लोग झेल रहे हैं उस क्राइसिस में हम लोग उत्तर ढूंढ रहे हैं लोगों के पास जाके, और वो उत्तर गांधी के पास बहुत सारे सवालों का हमें दिखता है, दिखने लगा है। यानी ग्लोबलाइजेशन का विरोध करना हो तो गांधी की मूर्ति के सामने से यात्रा शुरू होती है। जो भी बड़ा काम आज की तारीख में करना हो वो बिना गांधी के नहीं हो पा रहा है। अब गांधी को लेकर रूलिंग क्लास भी परेशान है, रूलिंग क्लास गांधी से बहुत परेशान रहता है क्योंकि उनको लगता है ये आदमी हमेशा हमें परेशान करता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देता है, लोग उसको लेकर आंदोलन पर चले जाते हैं। तो उसके दो तरीके सॉल्व करने के थे, एक तो जैसे पहले इंडियन स्टेट ने क्या किया कि गांधी का खूब उपयोग किया, जैसे शराब की दुकान के आगे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें गांधी जी बैठे होते हैं और कहते हैं शराब पीना ठीक नहीं है, और शराब की दुकानें सरकारी होती हैं, रिमेम्बर, यानी कि जितना पैसा वो सरकार उसे रेवेन्यू में लेता है उससे कुछ पैसा वो गांधी जी पे खर्च करता है इस बात के लिए कि आप वहाँ बैठे रहो और बोलते रहो कि भाई शराब पीना ठीक नहीं है, लोग मानेंगे तो ठीक है। अभी का जो रेजिम है उसके लिए गांधी को बड़ा प्रॉब्लम गांधी हो गया उसके लिए। उसने देखा कि एक बार उसने हमारे प्रधानमंत्री साहब ने खादी ग्रामोद्योग के पोस्टर से गांधी को हटाने की कोशिश की, वो खुद से बैठ के चरखा काटने लगे, पूरे देश में हंगामा हो गया। तो कहा कि ये हटाना तो बड़ा मुश्किल है इनको, अब कैसे हटाया जाए? तो एक स्कूल के बच्चों ने स्किट किया था, उसमें क्या था कि गांधी पार्क में एक मूर्ति थी और लोग आके उनके आसपास बैठ के प्रार्थना करते थे, जो गांधी विरोधी थे उनको उस पार्क पे कब्जा करना था, अपना कुछ काम करना था, आप समझते हैं क्या काम करते थे वो लोग। तो कहा कि कैसे हटाया जाए गांधी की मूर्ति को, तो एक बार हटाने पे तो हंगामा हो जाएगा, तो कहा अच्छा ऐसा करो पहले इसकी लाठी ले जाओ। तो पहले लाठी लेके चला गया, फिर चश्मा खोल के ले गया, फिर धोती उतार के ले गया, चप्पल उतार के ले गया, ऐसे करते करते फिर वो मूर्ति धीरे धीरे साल भर में वो सिर्फ एक ढांचा रह गया, फिर उसको साफ कर दिया। तो वैसे ही प्रेजेंट रूलिंग क्लास जो है वो क्या कर रहा है कि पहले चश्मा निकाल दिया, नोट पे चिपका दिया, उस पर लिख दिया इधर उधर, एक स्वच्छ, एक तरफ एक आंख से स्वच्छ दिखता है, एक आंख से भारत दिखता है, एक साथ दोनों देख ही नहीं सकता है। फिर यू कैन किल समबडी बाय प्रेजिंग समबडी। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का हूँ तो इस पर बोलने मुझे कोई परहेज नहीं है, वैसे भी आजकल राजद्रोही तो कोई दिक्कत नहीं है कि जिस दिन मोदी जी ने अडवाणी जी का पैर छुआ तो हमने कहा ये आदमी तो खत्म हो गया, वो हेज फिनिश। सबने मुझे क्या बात कर रहे हो यार, मैंने कहा भारतीय परंपरा है भैया, तुमको जिस आदमी को बिठा देना है उसका जाके पैर छू लो, कि अब तो आप बुजुर्ग हो गए, आप बड़े आदमी, आप बैठ जाइए प्लीज, बहुत हो गया, अब हमें संभाले दीजिए। तो गांधी जी को जी वैसे ही ये चश्मा अलग करके सब कुछ करा करा के गांधी जी को अब चाह रहे हैं लोग शांत कर दें, लेकिन वो आदमी कमाल का है, वो हमेशा इरप्ट हो जाता है। एक उपन्यास है जो हमारे इलाके में एक बड़े लेखक हुआ करते थे फणीश्वरनाथ रेणु, उनका एक उपन्यास है मैला आंचल, उसमें एक आदमी वामन दास, वो गांधीवादी है, कभी गांधी को ना देखा ना सुना ना कुछ पढ़ा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो ऐसा गांधीवादी है कि अंत तक वो लड़ता रहता है और मर जाता है। तो वो जो चीज़ गांधी ने लोगों में इंस्टॉल कर दी थी, जो क्लोनिंग कर दिया था ऐसा बिना देखे हुए भी, वो क्लोनिंग गांधी ने कैसे किया, क्या किया, ये एक बड़ा सवाल मेरे दिल में हमेशा ही रहता है, मैं उसको समझने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस स्टेज पे आके ये समझना ज़रूरी है
कि हम गांधी को कैसे समझें और कैसे नहीं समझें। कैसे नहीं समझे में तो मैंने कुछ बताया आपको, जैसे एकेडमिशियन लोग हैं वो जैसे गांधी को समझते हैं वो बड़ा ख़राब तरीका समझने का है। वो क्या करते हैं कि गांधी की कोई किताब उठाते हैं, फिर उसके लाइन का मीनिंग पे मीनिंग, मीनिंग पे मीनिंग, मीनिंग पे मीनिंग निकालते चले जाते हैं, और ऐसा ऐसा मीनिंग निकाल देते हैं जिसका कभी गांधी सोचा ही नहीं होगा, और जितना ही दारू पीते हैं उतना ही और मीनिंग निकालते हैं। सो अभी गांधी पे बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस के प्लानिंग में मैं भी था, तो जब वहाँ प्लानिंग होने लगा गांधी पे तो कहा कि विदेशी लोग आ रहे हैं तो लिकर का इंतजाम करना पड़ेगा, तो मैंने कहा तो हो गया, गांधी तो गए काम से क्योंकि अब फिर आप वो ऐसा निकालोगे उसमें जो गांधी कभी चाहेंगे नहीं, वो भी आप निकाल दोगे उसमें से। तो एक वो भी तरीका पढ़ने का है कि उनका टेक्स्ट पकड़ लो और एनालाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। दूसरा तरीका पढ़ने का है कि गांधी का जो सपना है उसको आप ओन कर लो कि मेरा सपना है, फिर शायद पढ़ने की भी आपको कब ज़रूरत होगी। फिर जब आप उस सपने के लिए लड़ना शुरू करोगे तो बहुत सारी बातें गांधी की आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी जो किताबों से समझ में नहीं आएंगी। और इसलिए गांधी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और जीवन क्या है उनका, मैं अभी बात करूंगा उनका जीवन क्या है जो उनका संदेश हो सकता है। तो पहली बात तो ये निश्चित रूप से है कि गांधी को समझने के लिए हमें गांधी के साथ चलना पड़ेगा, जो आप कह रही हैं कि गांधी के साथ हमें चलना पड़ेगा, गांधी के सपनों को हमें देखना पड़ेगा, गांधी के संघर्ष को हमें अपनाना पड़ेगा, और उस संघर्ष में जब हम जाएंगे तो खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आने लगेंगी। बड़े सारे मार्क्सवादी मेरे दोस्त हैं जो अभी फील्ड में काम करते हैं, जब उनसे मेरी बातचीत होती है वो कहते हैं यार अब गांधी मुझे समझ में आ रहे हैं कि जो कैसे मोबिलाइज़ करें, कैसे लोगों को होल्ड करें, कैसे लोगों के अंदर एथिक्स डालें, ये सब जब हमारे लिए सवाल उठता है तब सवाल उठता है कि गांधी कैसे करते थे, और फिर हम गांधी को समझने की कोशिश करते हैं, गांधी का मीनिंग बदलने लगता है। तो पहला तो ये है कि आप गांधी को ओन करें, गांधी के प्रोजेक्ट्स को ओन करें, गांधी के भक्त ना बने। भक्त बनना जो है वो गांधी कभी चाहेंगे भी नहीं, और वो खुद ही कहते थे कि मैं बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी आदमी हूँ, कभी कुछ कहता हूँ कभी कुछ कहता हूँ, लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये मेरे ग्रोथ का परिचायक है। और हिंद स्वराज में लिखते हैं कि यदि आपको कभी ऐसा लगे कि जो बात मैं अभी कह रहा हूँ, जो बात मैंने पहले कही थी, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो अभी जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप सही मान लो क्योंकि मैं ग्रो कर गया हूँ। और जो मार्क्स कहते हैं कि थिंक एज आई एम थिंकिंग, मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सोचो, मैं जो लिख चुका हूँ उसमें हो सकता है सारी चीज़ नहीं आ रही हो, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं उसके, जब मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सोचोगे तो नई परिस्थितियों में जो तुम्हारे सामने सवाल आएंगे उसको तुम सॉल्व कर पाओगे। वैसे ही गांधी भी कहते हैं कि मेरे साथ सोचो, मेरे साथ चलो, चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ये कैसे वो करते थे, ये जो मार्क्स, गांधी और अंबेडकर ऐसे लोग हैं, इन लोगों के लिए मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ कि ये फिलोसोफर्स ऑफ लिबरेशन हैं, ये मुक्तिकामी चिंतक हैं। हो सकता है कि इनका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कोई एक हो, जैसे गांधी का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कॉलोनियलिज्म था, अंबेडकर का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट दलित ह्यूमिलिएशन एक्सप्लॉयटेशन था, मार्क्स का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्लास बेस्ड था वहाँ का जो एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था जिसमें वो थियोरी बिल्ड करने की कोशिश की, जहाँ से वो सोचना शुरू करते थे। लेकिन वो सोच क्या रहे थे, तो केवल एक जाति, एक नेशन और एक वर्ग की मुक्ति की बात नहीं सोच रहे थे, वो तमाम लोगों की मुक्ति की बात सोच रहे थे। उनका एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट था कि ह्यूमन लिबरेशन का एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट लेके वो चल रहे थे। इसलिए मार्क्स कहते थे कि क्रांति वर्किंग क्लास के लिए जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी तो कैपिटलिस्ट लोगों के लिए है, क्योंकि एलिनेशन जो वर्किंग क्लास में कम है उनमें ज़्यादा है, उनकी हालत और ख़राब है। गांधी कहते थे कि कॉलोनियलिज्म से मुक्ति हमारे लिए जितनी ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनका तो कॉन्सेंस ही उनके साथ नहीं रहेगा कभी, वो तो कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये अंबेडकर कहते थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ज़रूरी है, वो अपर कास्ट रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो ये जो यूनिवर्सल थिंकर्स ऑफ लिबरेशन हैं उनके लिए
उनका प्रोजेक्ट हमेशा अनफिनिश्ड रहता है, कभी फिनिश्ड प्रोजेक्ट उनका नहीं है। यदि उनकी किताबों पे जाके उनको समझने की कोशिश करते रहेंगे तो वो अनफिनिश्ड रहेगा, क्योंकि उनकी समझ में ये बात आती है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इमेंस कैपेसिटी है। वो ह्यूमन बीइंग का जो पोटेंशियल, जिसको मार्क्स कहता है, स्पीसीज बीइंग है ये, जो जैसे कि बैल है तो बैल की एक कैपेसिटी है, हाथी है उसकी एक कैपेसिटी है, जो उसका स्पीसीज है जिसका, उसकी एक तरह की चीज़ है वो। ऐसे आदमी जो है वो भी एक स्पीसीज बीइंग है, तो उसका भी एक खास क्वालिटी है। वो खास क्वालिटी क्या है, उनसे हम अलग कैसे हैं? हम अलग ऐसे हैं कि हम अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं और फिर इसको रियलाइज़ कर सकते हैं, फिर इसको कर सकते हैं। यानी मकान बनाना हो तो हम पूरी मकान को पहले अपनी कल्पना में देख सकते हैं और फिर मकान वैसे ही, बिल्कुल वैसा ही मकान हम खड़ा कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है, ये ट्रिमेंडस कैपेसिटी हमें मिली हुई है और ये इन्फिनाइट है। जो कहानी हम बचपन में सुनते थे वो सही है कि हर आदमी के पास जितना ब्रेन है उसमें इन्फिनाइट पोटेंशियल है और अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज़ करके आइंस्टाइन हो गया था, तो हम यदि 5% भी यूज़ करेंगे तो करीब ही पहुँच जाएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं उसका? क्योंकि हम स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन से घिरे हुए हैं। हमने सोसाइटी अपने ग्रोथ के प्रोसेस में, विकास के क्रम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन बना रखा है, जैसे जाति है, क्लास है, रिलीजन है, कम्युनिटी है। कम्युनिटी ही आपको हो सकता है कि लिबरेट नहीं होने दे। आपने देखा है JNU में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जब बच्चे नारा लगाते थे तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्या लगा रहे हैं नारा। वो कहते थे कि भूख से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, बाप से आज़ादी और खाप से आज़ादी। ये सबसे आज़ादी चाहिए, बाप से भी आज़ादी और खाप से भी आज़ादी चाहिए। खाप तो आप समझते होंगे जो हरियाणा का खाप होता है, कम्युनिटी लॉज जो है। ये आज़ादी ज़रूरी इसलिए है कि हम क्रिएटिव हो सकें, कि हम अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल तक रियलाइज़ कर सकें। वही हमारा ह्यूमन बीइंग जन्म लेना, हमारा जो है वो जन्म लेना तभी क्या कहते हैं इसको रियलाइज होगा जब हम अपने पोटेंशियल के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के क्रम में जितने तरह के स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन हैं उनको ब्रेक करना ज़रूरी है। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार जो स्ट्रक्चर बना है वही है, बल्कि हर बार नया स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन क्रिएट भी हो सकता है। आपने देखा कि सोवियत यूनियन में क्रांति हुई, फिर वह एक नए तरह का स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन क्रिएट हो गया। भारत में स्वतंत्रता मिली, फिर नए तरह का स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन क्रिएट हो गया। तो कॉन्स्टेंटली हमें उस संघर्ष को चलाना होगा। तो ये एजेंडा जो इनका है, गांधी और मार्क्स और अम्बेडकर जैसे लोगों का, ये हमेशा ही अनफिनिश्ड एजेंडा है। और चूंकि नए स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन खड़े हो सकते हैं, इसीलिए हर स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन को तोड़ने का जो ज्ञान है वो किसी एक में उपलब्ध हो कोई ज़रूरी नहीं है। कैपिटलिज्म के बारे में जितना नॉलेज मार्क्स को है उतना गांधी को नहीं हो सकता है। कास्ट के बारे में जितना अंबेडकर को है उतना गांधी और मार्क्स को नहीं हो सकता है। कॉलोनियलिज्म के बारे में जितना गांधी को है उतना उन दोनों को नहीं हो सकता है। इसीलिए उन लोगों के बीच में विचंडा नहीं करके संवाद, वाद की जरूरत करने की जरूरत है। ये वाद उनके बीच में स्थापित करना है। तो ये अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है और इस वाद को यदि हम क्रिएट करें तो हम फिर ये समझ सकते हैं कि कैसे हम इनके साथ चल पड़े। इनके साथ चलने का मतलब क्या हुआ फिर? इनके साथ चलने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप उनकी मूर्ति लगा के उनकी पूजा करने लगे। इनफैक्ट जिस दिन आपने मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी उस दिन यू किल देम। जो मैंने कहा ना कि आप पूजा करके किसी को प्रणाम कर लो बस खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया आपका, गए हाथ जोड़ लिए उसके बाद उसको साइड रख लो। इंस्टेड ऑफ दैट आपको उनसे लड़ाई करनी होगी, उनके विचारों से लड़ना होगा, समझना होगा, संघर्ष करना होगा, रोज रोज उनसे संवाद करना होगा। ये संवाद यदि हम जारी रखेंगे तो उनके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को समझ भी पाएंगे और उसको आगे भी ले जा पाएंगे। क्या पहला प्रोजेक्ट है गांधी का जो अनफिनिश्ड रह गया है बहुत बड़ा?
मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन गांधी का था वो था कि उसने ह्यूमन एजेंसी को प्रिविलेज किया कि भाई इंसान के पास जो जो इंसान इंसानी ताकत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारे टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी सब साइडलाइन हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है इंसानी ताकत, और हम सब लोगों के पास वो ताकत है, हम एक्वायर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, हम उसके लिए संघर्ष करके उसको पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। जैसे गांधी जी, यदि आपने गांधी फिल्म देखी होगी तो गांधी आते हैं, पहला जो अपीयरेंस होता है गांधी का हिंदुस्तान में, जिना के घर पे बैठक चल रही है, तमाम बड़े बड़े लोग बैठे हैं और कह रहे हैं कि कोई गांधी है जो साउथ अफ्रीका से आया है वो आने वाला है, वो आ जाए तो बैठक की शुरुआत होगी। वो आधी धोती वोती पहन के आते हैं और घुसते ही पहला काम क्या करते हैं, जो वेटर चाय लेके घूम रहा था उससे लेते हैं और देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारे और उनके बीच में डिफरेंस रहेगा हम अंग्रेजों और अपने बीच के डिफरेंस के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। हमारा एजेंसी इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम खुद कितना जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, खुद कितना जस्टिस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर लगातार वो संघर्ष करते हैं ह्यूमन एजेंसी को एक्वायर करने के लिए। आते ही वो कहते हैं, उनको क्या कहा लोगों ने कि उनको हिंदुस्तान का कोई आइडिया नहीं था, ये सच है, कोई आइडिया उनको नहीं था, वो तो एक पढ़ने लिखने वाले इंसान थे, एक बड़े बाप के बेटे थे, अंग्रेज इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, वहाँ भी उन्हें कुछ पता नहीं था ज़्यादा, धीरे धीरे वहाँ जाके हिंदुस्तान को उन्होंने डिस्कवर किया। गीता के बारे में उनको अंग्रेजी ट्रांसलेशन से पता चला, संस्कृत से नहीं पता चला था। जब वो हिंदुस्तान आए, इनफैक्ट हिंदुइज्म के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, जब उनको क्रिश्चियन बनने के लिए कहा जाने लगा साउथ अफ्रीका में, तब उन्होंने कहा यार पहले जान तो लें हिंदुइज्म है क्या, तब तो क्रिश्चियन बनेंगे। फिर उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ा, क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, फिर बोला कुछ बनने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब एक ही बात कह रहे हैं, जहाँ हो सब बन जाओ, इसमें क्या दिक्कत है। जब वो हिंदुस्तान आए तो पहला काम किया उन्होंने कि वो घूमने निकल गए, एक साल तक घूमते रहे, मेरा बस चले तो यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऐसे ही एक साल तक घूमने छोड़ दें, क्या करना है क्लास में, दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया, व्हाट दे अंडरस्टैंड इज सिलेबस, दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया, एंड सिलेबस इज ऑलवेज सिलेबस, यू नो इट कांट बी रियलिटी, इट्स नॉट रियलिटी, वो तो इतना प्रोसेस में पार्ट होता है, पास होता है, सिलेबस पास करने का सिस्टम आपने देखा होगा, यदि मैंने छोटा सा कुछ कह दिया उसमें तो प्रोफेसर लोग उसको दबा दबा के मार ही डालेंगे, बढ़ने नहीं देंगे उसको, कहेंगे क्रांतिकारी टू रिवोल्यूशनरी, इट कांट बी टॉट। तो वहाँ से निकाल के यदि वो निकल गए घूमने तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया इंडिया को कि इंडिया है क्या, दैट्स हाउ ही एक्चुअली केम टू नो इंडिया थ्रू हिज जर्नी, और जानने के बाद फिर वो बैठ के थियराइज करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, अब काम कैसे करना है। तो उनके जो विचार थे वो सारे विचार टेंटेटिव थे, कोई फिक्स विचार नहीं था उनका, वो हर मौके पे सोचते थे कि अब क्या करना है। और आप इमेजिन कीजिए कि अभी अभी आपको निर्णय लेना है और आपके निर्णय पे पूरा आंदोलन निर्भर कर रहा है, आप अभी निकल के बोलने वाले हैं कि ये काम होना है, पूरा आंदोलन निर्भर कर रहा है, कितना स्ट्रेस उनके मन में होता होगा, ऐसा निर्णय लेने फेल भी हो सकता है, सब लोग गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कैन यू फिनिश, ब्रिटिश हमको मार सकता है। उस स्टेज पे जब वो निर्णय लेते थे उस निर्णय को लेने में बड़ा फर्म रहते थे वो, और वो इसलिए हो पाता था कि उन्होंने पूरे संघर्ष के दरमियान एक एजेंसी एक्वायर किया था, एक ट्रस्ट एक्वायर किया था, ट्रस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात गांधी के लिए थी, जो आज मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड का है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। वी हैव स्टॉप ट्रस्टिंग इवन आवर सेल्व्स, दूसरों का तो खत्म ही हो गया है, कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है, बल्कि अब ट्रस्ट नहीं करने के लिए फिल्म बन रही है। आपने फिल्म देखी होगी, एक रोड करके फिल्म बनी थी जिसमें एक आदमी लिफ्ट लेता है, बाद में उसको हटा देता, भगा देता है, गाड़ी छुड़वा देता है, तो कहता है कि डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, मतलब ये पूरा ट्रस्ट नहीं करने का की शिक्षा हमें दी जा रही है, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी गांधी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, और ट्रस्ट जनरेट करके उसने अपने एजेंसी को एक्वायर किया था।
ये पूरा एक्विजिशन था गांधी का, ऐसे ही नहीं था कि गांधी कुछ कह दिए और बाकी लीडर खामोश होकर उनको फॉलो करते थे। वो इसलिए थे कि गांधी ने बहुत मेहनत करके लोगों का ट्रस्ट एक्वायर किया था, लोगों का ट्रस्ट जीता था। ये सोल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ जो थी उनकी, ये आत्मा की आवाज़ नहीं थी, ये एक तरह से एक जनरल विल था। लोगों को ये विश्वास था कि यदि गांधी कुछ कह रहे हैं तो वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख के नहीं कह रहे होंगे, वो गलत हो सकते हैं, बहुत बार गलत साबित हो गए गांधी जी, लेकिन ये तय था कि वैसा कहने में वो लोगों का ही हित देख रहे हो। ये यदि विश्वास हो जाए कि आप मेरा हित देख कर कुछ कह रहे हैं, और आप यदि मुझे पीट, जैसे अब स्कूलों में यदि कोई टीचर पीट दे तो हंगामा हो जाता है। हमारे ज़माने में एक हमारे मौलवी साहब टीचर थे, उनके बारे में फेमस था कि यदि वो पीट दे आपको तो आप टॉप कर जाओगे। हम लोग उसे पीटने के लिए लड़ाई रहते थे कि पीट दे किसी, थप्पड़ लगा दे किसी तरह से वो, क्योंकि ट्रस्ट था उनके ऊपर इतना ज़्यादा हमें कि वो अपने लिए तो पीट नहीं रहे। मतलब यदि कोई जाके पेरेंट्स से कंप्लेन कर दे कि हमारे टीचर ने बहुत पीट दिया, तो पेरेंट कहते ठीक किया है, ज़रूर कुछ गड़बड़ किया हो तुमने। आज की तारीख में तो बिल्कुल उल्टा हो जाए, हंगामा हो जाए, मुकदमा हो जाए, क्या क्या नहीं हो जाए। ये ट्रस्ट जो गांधी ने जनरेट किया, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ गांधी, बिगेस्ट अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ गांधी, कि सोसाइटी में ट्रस्ट कैसे पैदा किया जाए। और ये डिस्ट्रस्ट की पूरी जो फिलॉसफी है, इसी फिलॉसफी के खिलाफ गांधी संघर्ष कर रहे थे। ये डिस्ट्रस्ट की फिलॉसफी कहाँ से आ रही थी? तो यूरोपियन देशों में जो उस वक्त विचार चल रहा था, जो पूंजीवाद की शुरुआत के विचार थे, उसमें डिस्ट्रस्ट ही सबसे बड़ा टूल था उनका, कि आदमी पे विश्वास मत करो, तो यदि विश्वास नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? तो कानून बनाओ, कानून पे विश्वास करो, आदमी पे विश्वास मत करो। आदमी गड़बड़ है, उसका स्वभाव गड़बड़ है, वो अंदर से गड़बड़ होता है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो कानून बना के, पुलिस बिठा के, पहरा लगा के उसको ठीक कर सकते हो। गांधी का सबसे बड़ा, मुझे लगता है, संघर्ष यही था कि आदमी पे विश्वास करो और अनकंडीशनल विश्वास करो। ट्रस्ट अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव टू ह्यूमैनिटी वॉज गांधीज फर्स्ट एजेंडा। हाउ डू जनरेट दैट वॉज गांधीज प्रॉब्लम, कि अनकंडीशनल लव कैसे जनरेट करोगे आप? तो कई सारी चीज़ें उन्होंने की, जो चीज़ें उन्होंने की वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि ऐसा नहीं था कि वो बैठ के किताबें पढ़ते थे, फिर सोच समझ के एक थियोरी निकालते थे, फिर कहते ये थियोरी सही है, बल्कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किए। और प्रयोग की क्या खासियत होती है? कि प्रयोग फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। एक प्रयोग फेल करेगा तो फिर दूसरा प्रयोग करेंगे, फिर तीसरा प्रयोग करेंगे, और प्रयोग की एक निरंतरता बनी रहती है। तो कंटिन्यूसली वो प्रयोग करते थे, ट्रस्ट के साथ भी प्रयोग करते थे, आश्रम भी उनका एक प्रयोग था, ड्रेस भी उनका एक प्रयोग था, राजनीति भी उनके लिए एक प्रयोग था। प्रयोग की बड़ी खासियत ये होती है कि आप उसकी आलोचना, खुद भी उसकी आलोचना कर सकते हैं, कह सकते हैं यार कल जो मैंने प्रयोग किया था वो फेल हो गया, मेरा गड़बड़ प्रयोग था, उसमें ये गड़बड़ी हो गई। आप भी कह सकते हैं आपके प्रयोग में प्रॉब्लम, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं अटैच प्रयोग से नहीं हूँ। ये बड़ा, जो गांधी ने यूरोपियन कल्चर से जिस चीज़ को लिया, वो इस चीज़ को लिया मॉडर्निटी के साथ, कि प्रयोग केवल विज्ञान में नहीं होता है, बल्कि प्रयोग सब चीज़ों में होता है, समाज विज्ञान में भी होता है, जीवन में भी होता है। हम लोग अभी जैसे पढ़ाते हैं तो क्लास में भी प्रयोग करते हैं, कि चलो ऐसे पढ़ा के देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है, फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरा प्रयोग करते हैं। तो गांधी ने जो प्रयोग की का तरीका अपनाया, इसने गांधी को बड़ा एजेंसी दिया, जिस एजेंसी के माध्यम से गांधी ने राजनीति की। वो एजेंसी उनका क्या था? वो एक एथिकल एजेंसी था, एक मोरल एजेंसी था। अब बहुत से लोग कहते हैं गांधी यूरोपियन था, वो आदर्शवादी बातें करता था, वो समझदार नहीं था, और वो ऐसा होता नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि 100 साल के बाद लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कोई हार्ड मांस का पुतला था जो गांधी जैसा था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो बहुत चालाक किस्म के आदमी थे, बहुत तेज आदमी थे, क्योंकि प्रयोग के दरमियान उन्होंने ये सीखा था कि रियलिटी जैसा है उसको वैसा समझो, यानी सांप को सांप नहीं समझ के रस्सी समझ लोगे तो काट ही लेगा तुमको, तो सांप को सांप ही समझो। लेकिन फिर उसके बाद उस सांप के साथ क्या करना है, ये एजेंसी तुम्हारे पास है,
कि उस सांप को मारना है या नहीं मारना है, सांप को छोड़ देना है। नहीं समझना बेवकूफी है, समझ के छोड़ देना ये इंसानियत है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा कोई दोस्त आया और मुझसे पैसे मांगा, मैं कहता हूँ देखो मुझे मालूम है कि तुम ठग रहे हो मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं मालूम होना मेरी बेवकूफ़ी होगी, फिर तो मुझे बड़ा कोफ्त हो गया, मालूम ही नहीं हुआ मुझे ठग रहा है, बट मुझे मालूम है कि मुझे ठग रहा है, लेकिन ले जाओ कोई बात नहीं है, ये मेरा एथिक्स है। तो गांधी ने इन दोनों चीज़ों को बखूबी मिक्स किया कि भारतीय राजनीति की जबरदस्त समझ उनको थी। चालाकी नहीं, चालाकी मतलब चालाकी इज नॉट इन नेगेटिव सेंस, चालाकी इन द सेंस इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। चालाकी इज नॉट दैट ही वॉज फ्रॉड, आई थिंक ही वॉज इंटेलिजेंट। तो वो समझते थे चीज़ों को, जैसे चौरी चौरा के कांड में जब उन्होंने कहा कि मेरे दिल की आवाज़ है, वो एक्चुअली बाद में पता चला दिल की कोई आवाज़ थी नहीं ज़्यादा, बात क्या हुई थी उसमें, उन्हें ये मालूम था कि ब्रिटिश स्टेट जो है वो पूरी तरह से तैयार है कि आंदोलन यदि हिंसक हुआ तो मैसिव मैसाकर करेंगे, बहुत से लोगों को मारेंगे, आर्म्स उन्होंने जमा करके रखा था, ये उनको मालूम हो गया था। अब ये कितनी बातें लोगों को बताते, उन्होंने कहा चलो दिल की आवाज़ है, तो बड़ा रियलिस्ट थे वो, जैसे अनशन करते थे वो। अब बहुत से लोग अनशन में बैठ जाते हैं और मर जाते हैं, गांधी इतने अनशन में बैठे कभी मरने की नौबत नहीं आई उनकी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे इस बात को समझने में कि मेरे अनशन करने के बाद इम्पैक्ट क्या होगा इसका। वो कहते भी थे कि अनशन कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसे ही बैठ जाओगे तुम, हमेशा एसेस करो कि यदि तुम्हारे अनशन से मास मोबिलाइजेशन हो जाए तब बैठो अनशन पे। तो अनशन की तैयारी ये करो कि तुम मास के साथ इतना जुड़ो, इतना ट्रस्ट पैदा करो उनके साथ कि तुम्हारे अनशन पे बैठने से हंगामा हो सके। तो ही वॉज रियलिस्ट बट एथिकल रियलिस्ट, वो एथिक्स को हमेशा सामने रखते थे कि जो डिसीजन लेना हमें है वो हमारी ऑटोनॉमी है, हम इंसान हैं, हम कोई झुंझुने नहीं हैं कि कोई कैसे भी बजा ले। लेकिन हमें ये समझना होगा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप यदि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नहीं समझते हो और बोलो मैं खिड़की से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ खिड़की से बाहर जाना चाहता हूँ, खिड़की मतलब बालकनी से उतरना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो माफ़ नहीं करेगा आपको। लेकिन आप यदि समझते हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फंक्शन कर रहा है और उतरना मुझे बालकनी से ही है, तो आप उसमें एक रस्सी वस्सी बांध के फिर पकड़ के उतरने की कोशिश करोगे। तो मुझे लगता है गांधी को पूरे समाज की समझ बेहतरीन समझ थी कि समाज कैसे मूव कर। इनफैक्ट वो लिखते भी हैं आत्मकथा में कि जब साउथ अफ्रीका में थे और जब वकील बनने की कोशिश कर रहे थे तो किसी ने उनसे कहा कि यार तुम वकील बन नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें इंसान की ठीक समझ नहीं है। तो उन्होंने कई किताबें खरीदी जिससे उन्होंने इंसान को समझने की कोशिश की कि इंसान है क्या चीज़, कैसे वो बिहेव करता है। तो हर ऐसी चीज़ को मुझे लगता है वो काफ़ी गंभीरता से उसके रियलिटी के अंदर जाके उसको समझने की कोशिश करते थे और एक तरीके से वो वहाँ से फिर अपना एजेंसी वो डिराइव करते थे। वो एक समझदार व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूटोपिया सोच लिया गया ऐसा आदर्श है और ऐसा करना है, ऐसा नहीं है, उस आदर्श को वो रियलिटी के साथ कनेक्ट करते थे। और इसलिए आप देखेंगे जितनी चीज़ों पे गांधी बात करते थे उन सब में एक मूवमेंट था, मूवमेंट इन सेंस कि आज मुझे कितनी बात करनी है उसके बारे में, कल कितनी बात करनी है इस पर वो डिसाइड करते थे। जैसे उदाहरण के लिए पार्लियामेंट की बात आई कि पार्लियामेंट अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, हिंद स्वराज में लिखते हैं कि पार्लियामेंट बहुत ही ख़राब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग स्वार्थ के लिए लड़ाई करने लगते हैं और वहाँ फिर पार्टी इम्पॉर्टेंट हो जाती है लोक हित के बदले। लेकिन आज की तारीख में लोगों को ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल है कि पार्लियामेंट की जगह हमारा कोई और सिस्टम हो, इसीलिए मैं पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करता हूँ। कल को हो सकता है कि मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट हटाओ। इनफैक्ट गांधी कहते थे कि पार्लियामेंट की जगह पे एक नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है जिसमें जिसको ओशनिक सर्किल कहते थे, ओशनिक सर्किल जैसे समुद्र में या पानी में आप एक ढेला फेंकते हो तो ऐसे सर्किल बनता है। तो कहते थे कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो इसी तरह के सर्किल से होना चाहिए कि एक छोटा सर्किल हो, फिर उससे बड़ा सर्किल हो, फिर बड़ा सर्किल हो, फिर बड़ा सर्किल हो, और वो बड़ा होते होते पूरे वर्ल्ड तक फैल जाए। यानी कि गांव में छोटा सा 10 लोगों का एक यूनिट हो, 10 लोगों के यूनिट 100 हैं, तो उसमें से 100 लोगों से 10 को निकाल के फिर एक उससे बड़ा यूनिट बनाया गया, फिर उससे एक बड़ा यूनिट बनाया गया, फिर उससे एक बड़ा यूनिट बनाया गया,
और पूरे यूनिवर्स तक ये फैल सकता है, ये उन्होंने सीखा था कुरान से। आप यदि तबलीगी जमात के बारे में जानते होंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है इस वक्त, वो यही टेक्निक अपनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। तो गांधी कहते थे कि इसी तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना चाहिए जिसमें कि सेंटर में वो 10 लोग हों, ताकि एक दूसरे को जान रहे हैं और डिसीजन ले पा रहे हैं वो, और फिर उस डिसीजन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बड़े सारे उनके प्रयोग थे जो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि एक रियलिस्ट होने के नाते उनको ये बात समझ में आ रही थी कि उस समय में इसको लागू करना संभव नहीं था उनके लिए, लेकिन वो उनके अनफिनिश्ड एजेंडा में था। और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको भी दूंगा जो उनका अनफिनिश्ड एजेंडा था, जिस पे हमें दोबारा से लौट के सोचने की ज़रूरत है। जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग कुछ ऐसा प्रयोग भी अभी कर रहे हैं कुछ इलाकों में, जिसे हम लोग संसद कह रहे हैं। गांधी हमेशा कहते थे कि राजनीति एशियाई समाज में कभी भी बहुत ज़्यादा केंद्र में नहीं रही है। आज की तारीख में क्या हो गया है कि हमारा पूरा समाज का केंद्र जो है वो स्टेट हो गया है, कि कौन सत्ता में है, उसको कैसे लाया जाए, कैसे हटाया जाए, हम उस पर इतने आश्रित हो गए हैं स्टेट के ऊपर कि सब कुछ स्टेट के तरफ मुड़ गया है। गांधी कहते थे कि ये एशियाई समाज बड़ा विचित्र था। जैसे उदाहरण के लिए रूमी का नाम आपने सुना होगा, रूमी अफगानिस्तानी एक सूफी फिलासफर थे, तो उनके पिता भी एक सूफी थे, और वहाँ के जो राजा थे एक बार वो उनके पास गए, बोले कि ऐसा है ये ताज वाज आप रख लो, मैं चलता हूँ जंगल की तरफ। बोला क्या हो गया? बोला कि यार सब लोग तुम्हारे ही पास आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, तो मेरा काम ही क्या है इस देश में। ये यहाँ का बड़ा ट्रेडिशन रहा है। आप देखिए निज़ामुद्दीन औलिया कभी बादशाह के दरबार में नहीं गए। एक बार अमीर खुसरो ने उनसे ज़बरदस्ती बादशाह के से मिलने की बात कर दी, तो अमीर खुसरो से नाराज़ हो गए, जो उनको बहुत अच्छा चेला था। बोला मुझे क्या मिलना बादशाह से, क्यों मिलूंगा मैं? उनका अपना एक लेजिटिमेसी था सोसाइटी में। ये पूरे सोसाइटी का आप देखिए, फकीरों का अपना एक लेजिटिमेसी था सोसाइटी में। तो गांधी उसको अच्छी तरह समझते थे, और उसको गांधी उस इमेजिनेशन को वो कैच करते थे, इसलिए उन्होंने जो अपना पूरा समाज नीति वो करते थे, राजनीति नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास इतना एजेंसी होना चाहिए, इतना पॉलिटिकल एजेंसी होना चाहिए कि स्टेट और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो फोर्स हो जाए हमारे पास आने के लिए। कोई मसला होता था तो पूरा का पूरा कैबिनेट उनके ड्राइंग रूम में बैठा होता था, उनसे पूछने आ रहा था क्या करें। आपस में लड़ते थे नेहरू और पटेल, तो आके उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे अब क्या किया जाए। क्यों कर पाते थे ऐसा गांधी? क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट करते थे। जो डायरेक्ट कनेक्ट करने की उनकी आदत थी, जिसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था, वो था प्रार्थना सभा। वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। प्रार्थना सभा में वो आप उनका जो प्रार्थना सभा का वक्तव्य है वो ऑडियो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको ज़रूर सुनना चाहिए कभी। वो भाषण देते थे, 4,000-5,000 लोग उसमें आते थे, और हाँ, और गांधी वहाँ जाके बैठ के एक घंटे का पहले प्रार्थना करते थे फिर भाषण करते थे। और प्रार्थना में मतलब एक तरह से वो एलिवेट कर लेते थे लोगों को जनरल विल की तरफ, और फिर वो उनसे कम्युनिकेट करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बाहर कुछ लोग खड़े होके, प्रार्थना सभा के बाहर खड़े होके हल्ला कर रहे थे कि जिना को गिरफ्तार करो, जिना को गिरफ्तार करो, बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लग रहे थे कि जिना को गिरफ्तार करो। गांधी आए वहाँ बैठे, तो उन्होंने कहा सुनो मेरी बात, तो सुनो मेरी बात पहले सुन लो, ज़रूर गिरफ्तार करूँगा मैं जिना को, ज़रूर करूँगा, जिना को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास तो कोई स्टेट पावर नहीं है, मेरे पास तो कोई पुलिस नहीं है, मैं तो जिना को दिलों में गिरफ्तार करूँगा। आप सब लोग जिना को दिल में गिरफ्तार कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिना को दिल में कैसे गिरफ्तार करोगे। ये डायरेक्ट नेशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सारा ऑल इंडिया रेडियो में लाखों करोड़ों लोग उनको रोज़ सुनते थे वो क्या बात कर रहे हैं। ये उनका एजेंसी एक्वायर करने का तरीका था कि डायरेक्ट पब्लिक से वो कम्युनिकेट करते थे। और ये एजेंसी जो एजेंसी का ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को जन्म देता था, और ये एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। ये जो मन की बात करते हैं ये नकल मारते हैं उसकी, तो राजा कभी मन की बात थोड़ी कर सकता है, वो तो सन्यासी जो गांधी वो मन की बात कर सकता है, ये तो मन की बात क्या कर सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं मन की बात।
आप तो ठग रहे लोगों को कह के मन की बात है, ये तो मन की बात आपके है नहीं, ये कुछ और बातें हैं। तो गांधी ये करने में सक्षम थे। जो आश्रम उन्होंने प्रयोग किया, वो आश्रम क्या था, घर और आश्रम में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क है कि आश्रम एक नियम से चलता है जो घर के नियमों से अलग है। आश्रम का नियम में हम सब लोग बराबर हैं और एक नियम के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं, उसका एक रूटीन है, उससे काम करते हैं, और वो एक ओपन स्पेस है, बिल्कुल ओपन स्पेस है। मतलब उनके बारे में कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं था कि वो कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पीते हैं। नेहरू के बारे में था, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, हमारे समय में तो लोग कहते थे, ये मिथ था प्रॉब्ली, कि उनके कपड़े फ्रांस से धुल के आते हैं, बहुत लोग कहते थे ऐसा। तो जो रूलिंग एलीट है वो मिथ क्रिएट भी करता है, मिस्ट्री क्रिएट भी करता है, क्योंकि पावर एक्वायर करता है। गांधी के आश्रम का प्रयोग ये था कि वो पावर को ही डिसेंट्रलाइज कर दिया और उसको इतना ज़्यादा लोगों के बीच में अपने आप को रखा कि कोई मिस्ट्री उसमें क्रिएट नहीं होता था, कोई ऐसी मिस्ट्री क्रिएट नहीं होती थी। ये अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है कि हमारा कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने हो, हमारे समाज में हो, जिसके कहने से राजा भी डर जाए। आज की तारीख में तो लोग हमारे पास है नहीं, कोई ऐसा अपील करने वाला आदमी हमारे पास नहीं है जिसकी आवाज़ से बादशाह कांपने लगे, बल्कि अब तो वो जिनकी आवाज़ें थोड़ी बहुत बुलंद थी उनको ही बंद करने में लोग लग जाते हैं। तो गांधी का ये सपना था कि हमारे देश में राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज नीति हो। इनफैक्ट गांधी और अंबेडकर का डिबेट भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। अंबेडकर का कहना था शुरू के दिनों में कि जाति प्रथा का उन्मूलन हम राज्य के नीति नियमों के राज्य के कानून से ही कर सकते हैं, और इसलिए राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बार बार वो राज्य के ऊपर जो अभी सिंबलिकली यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेके उंगली वाला जो मूर्ति है उनका, वो यही कहता है कि कानून को जानो और सत्ता तक पहुंचो, उससे परिवर्तन हो जाएगा। गांधी कहते थे उनको कि ये परिवर्तन नहीं हो सकता, सामाजिक परिवर्तन तभी हो जब समाज उसके उन्मूलन में काम करने लगे। ये समाज नीति में कैसे परिवर्तन आप करोगे ये महत्वपूर्ण है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो जिसको आप अपोजिशन कह रहे हो उसके दिलों को आप जीत सको, और ये संभव है। अंबेडकर कहते थे वो बहुत टाइम लगेगा और वो संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं हमारी बातों को। वो जो अपोजिशन है वो इंटरेस्ट बेस्ड है, वो सुनेगा नहीं। गांधी कहते थे वो सुनेगा, अब वो जो चेंज होगा वो ज़्यादा परमानेंट चेंज होगा। तो ये जो समाज नीति का, समाज नीतिज्ञ का जो कॉन्सेप्ट था, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जो सोसाइटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसके निर्णय से स्टेट भी खामोश हो जाए, स्टेट फोर्स हो जाए उन नियमों को पालन करने के लिए जो समाज से, समाज नीतिज्ञ कह रहा हो, ये सपना मुझे लगता है गांधी का, ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सपना अधूरा रह गया है। अभी क्या हो गया है कि हर समाज नीतिज्ञ भी राजनीतिज्ञ बनना चाहता है, वो समाज नीति की कोई नहीं बनना चाहता है, हर कोई चाहता है किसी भी तरीके से फेमस होकर हम राजनीति तक पहुंच जाएं। जो डिबेट केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच हो रहा था, केजरीवाल तो समाज नीति की बात करते थे लेकिन सडनली वो राजनीति में चले गए, और जब राजनीति में गए तो फिर क्या हुआ प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, क्योंकि राजनीति की अपनी सीमाएं हैं। तो गांधी का ये सपना था कि ऐसा हमारा सिस्टम हो जिस सिस्टम में राजनीति तो डेमोक्रेटिक हो ही, जिसके बारे में भी बात करेंगे कैसा डेमोक्रेटिक हो, लेकिन समाज नीति बहुत महत्वपूर्ण है, और समाज नीतिज्ञों की एक पूरी फौज हो, और समाज नीतिज्ञों की जो पूरी फौज है, जो लोग समाज नीतिज्ञ हैं, वो कैसे सोचे चीज़ों के बारे में, वो कैसे करें चीज़ों के बारे में। तो उसके लिए गांधी कहते थे, और ये बड़ा बहुत बड़ी बात है कि कोई सरमन नहीं देते थे, वो कहते बहुत सिंपल सी बात है कि आप कैसे समझोगे, कैसे करोगे, कैसे ऐसा सोचोगे, कैसे, बस दिल पे आवाज हाथ रखो और जो तुम्हें दिल कह रहा है उसको मानो, और दिल क्या कहेगा तो वो कहते थे दिल हमेशा सच ही कहेगा तुमको, और उसके हिसाब से तुम काम करोगे। तो क्या करोगे कि जो काम सबसे समाज के निचले तबके के लिए फायदेमंद हो वही काम करो, जब कोई काम करते हो उसको ऐसे इवैल्यूएट करो कि सबसे निचले तबके के लिए वो फायदेमंद है या नहीं, और किसी डिबेट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी काम हम करना चाह रहे हैं, एक सिंपल इवैल्यूएशन का पॉइंट उन्होंने मंत्र दे दिया, जिसे वो कहते हैं तिलस्म, एक बीज तिलस्म दे दिया उन्होंने बीजक की, भाई आप ऐसे डिसाइड करो। और ये बात मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब लीडर की नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, ये समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो गई।
यानी आपके कॉन्सेंस को उन्होंने अपील कर दिया, उसको रेज कर दिया, कहा कि अब आप डिसाइड करो सही क्या है गलत क्या है, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, मैं कुछ आपको सरमन देने नहीं आया हूं। ये जो ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मुझे लगता है कि उनका एक बड़ा प्रयोग था जो अनफिनिश्ड रह गया है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हर एक लीडर ये कहता है कि मैं सही कह रहा हूं और आपको उसको फॉलो करना है। गांधी कहते हैं आप जो कह रहे हो वही सही है, हम उसे फॉलो कर लेंगे। ये लीडरशिप का एक नया मॉडल गांधी ने दिया था जो मुझे लगता है कि अभी भी अनफिनिश्ड है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग है जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो अभी माकूल समय है बात करने के लिए, रिलीजन के बारे में। और आज सुबह हम लोग काफ़ी उस पर बहस करते रहे रिलीजन कि गांधी रिलीजन के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। ये तय है कि गांधी, अम्बेडकर और टैगोर जैसे लोग जो हिंदुस्तान के थे, किसी ने भी रिलीजन का विरोध नहीं किया। ये सब लोग कहते थे कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर ने तो बिल्कुल पहला ही सेंटेंस लिखा कि रिलीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। लेकिन कैसा रिलीजन हो, कौन सा रिलीजन हो, क्या हो, ये निर्णय हमें लेना है। गांधी से हिंद स्वराज में पूछते हैं कि आप कहते हो कि रिलीजन की पढ़ाई होनी चाहिए स्कूलों में कॉलेजों में, तो कौन पढ़ाएगा? क्या पंडित लोग पढ़ाएंगे इसको, या मौलवी पढ़ाएंगे? क्या नहीं, ये जो अंग्रेज लोग हैं उनको पढ़ाने देना चाहिए। हर रिलीजन को दूसरा रिलीजन वाला पढ़ाए, और जो मॉडर्न आदमी वो पढ़ाए। क्योंकि वो कहते थे एक नॉलेज सिस्टम है, इसकी हमें ज़रूरत है, तो ये हमारा अधिकार है कि वो रिलीजन क्या है उसको जाने, उसको ट्रांसफॉर्म करें। एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीजन की उन्होंने कल्पना की थी कि एक ऐसा रिलीजन जो मुक्तिकामी धर्म हो। और ये मुक्तिकामी धर्म मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान बहुत उभर के सामने आया था। एक उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका एक बड़ा फेमस उपन्यास जो आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, अनामदास का पोथा, उसमें एक पात्र है रैक, वो कहता है कि ऐसा फिलॉसफी किस काम का है जो भूख और अकाल के दरमियान लोगों के लिए कुछ कर ना सके, चुपचाप हम बैठे रहे और सोचते रहें, हमें तो कुछ करना है। तो ये जो फिलॉसफी और रिलीजन जितनी भी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग ने प्रोड्यूस की हैं, इन सब का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है मनुष्य का की मुक्ति करना। यदि वो मुक्ति करने के बदले आपको गुलाम बनाने लगे तो उसे वहीं त्याग देने की ज़रूरत है। गांधी का ऐसा मानना था और बड़ा साफ माना था। वो तभी आप कर सकते हैं जब उसके बारे में जानें आप, यदि जानेंगे नहीं आप तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अंबेडकर को देखें ना, संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे अंबेडकर, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उनके टेक्स्ट को आप पढ़ें, संस्कृत का धारा प्रवाह उपयोग करते हैं वो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ें, वो टेक्स्ट के पर रेफरेंस देते हैं जबरदस्त। तो टेक्स्ट जो हमारा है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको हमें समझना ज़रूरी है ताकि हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकें और उसे मुक्तिकामी बना सकें, उसे लिबरेशन का पार्ट बना सकें, नहीं तो वो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन क्रिएट करेगा। ये मुझे लगता है कि उनका अनफिनिश्ड एजेंडा रह गया है, जो रिलीजन का सेल्फ क्रिटिक था, जो स्वयं आलोचना करने की हमारी क्षमता थी अपने धर्म की, वो ख़त्म हो गई। वो खुद बड़ी आलोचना करते हैं, आप उनकी गीता को देखिए, जब वो गीता पढ़ते हैं कहते हैं कि किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी एक समस्या है, मैं उसके समाधान के लिए गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समाधान कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो साइड में रख दो उसको, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि धर्म ग्रंथ है और इसे पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम है, उसे मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कोई रिलीजन यदि हमारे सामने आता है, कर सकता है तो ठीक है। यानी रिलीजन भी स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन को तोड़ने के लिए यदि उपयोगी है तब तो ठीक है, यदि वो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है तो गांधी कहेंगे उसे इमीडिएटली आप रिजेक्ट कर दो। यदि वो आपके मुक्ति के लिए काम नहीं कर सकता है तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी रिलीजन हो उसको छोड़ देने की इमीडिएटली ज़रूरत है। इसलिए हमेशा ही उसे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, उसको सेल्फ क्रिटिक करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है आज की तारीख में ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो रिलीजन नहीं रह गया है बल्कि वो आइडेंटिटी हो गया है। हमने अपनी अस्मिता से उसको जोड़ लिया है, हमने अपनी अस्मिता से हर कुछ को जोड़ लिया है, लैंग्वेज को जोड़ लिया है। अब लैंग्वेज को लेकर हम लड़ते रहते हैं, रिलीजन को लेकर लड़ते रहते हैं, ये अस्मिताओं की जो राजनीति शुरू हुई है, अस्मिताओं की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे गांधी। मुझे लगता है ये पूरा उल्टा हो गया है जो गांधी करना चाहते थे उसके। ये उनका एक बड़ा अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको समझने और देखने की जरूरत। जैसे गांधी की रिलीजियोसिटी भी बहुत लोग बात करते हैं, गांधी तो हिंदू थे, गांधी कोई कहे गांधी जैन थे, बहुत सारी विदेशी किताबें जो आती हैं उसमें उनके इस बात पर बात करते हैं कि गांधी की माँ
सतनामी परंपरा की थी और गांधी उनके साथ जाते थे मंदिर, तो वो भी सतनामी परंपरा के थे। ये बिल्कुल बेकार बात है। गांधी खुद कहते हैं कि जब मैंने रिलीजन को इवैल्यूएट करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि रिलीजन इज इक्विवेलेंट टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म। जो रिलीजन ह्यूमैनिज्म नहीं है वो रिलीजन है ही नहीं, और रिलीजन को हमेशा ह्यूमैनिज्म के चश्मे से हमें देखने की ज़रूरत है, उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हर कॉन्सेप्ट कैटेगरी को हम ह्यूमैनिज्म के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करने की हमें ज़रूरत है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। फिर जैसे स्वराज की कल्पना है उनकी, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है स्वराज। ये स्वराज हमारा तो आज की तारीख में स्वराज खत्म ही हो गया। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी क्या है आज की, तो उन्हें स्वराज के बारे में तब पता नहीं होता है। वो कहते हैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद निर्णय नहीं ले पाते किसी चीज़ का। तो हमने पूछा निर्णय कौन लेता है, तो कहते हैं कि बाज़ार निर्णय लेता है। हमें क्या पढ़ना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सारा निर्णय जो है वो बाज़ार लेता है आपके लिए। ये ब्रांडिंग गुरु, ब्रांड गुरुज जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब कल से आप क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। यानी हमारा कंट्रोल अपने ही ऊपर ख़त्म हो रहा है। गांधी का सबसे बड़ा सपना यही था कि हम ऐसा समाज बनाएं जिस समाज में जो इंसान हो वो स्वयं मुख्तारी करे, वो खुद अपने ऊपर उसका कंट्रोल हो, जो निर्णय हम लेने वाले हैं वो निर्णय मेरे अपने विचार से आया हो, हम बाज़ार से उसका निर्णय नहीं लेंगे। जो कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी अभी आई है ये कम्प्लीटली एंटी गांधी है। गांधी यदि नहीं मारे गए होते ये इंडस्ट्री वाले गांधी को मार डालते, क्योंकि गांधी यदि कहते कि भाई तुम्हें खाना ही इतना सिंपल खाना है तो पिज़्ज़ा बर्गर इंडस्ट्री क्या करता, कहते तुम्हें कपड़ा ही इतना सिंपल पहनना है तो इतने सारे ब्रांड्स क्या करते, तो प्रॉब्ली कैपिटलिज्म डिड नॉट नीड गांधी, कैपिटलिज्म वॉज वुड हैव बीन कम्प्लीटली एंटी गांधी। गांधी वॉज एब्सोल्यूटली एंटी कंज्यूमर। तो ये जो एंटी कंज्यूमरिज्म का उनका पूरा एजेंडा था वो अनफिनिश्ड एजेंडा है। और एक तरफ तो एंटी, अब जैसे मैंने देखा कि बड़ा सा एक मॉल है दिल्ली में, उस मॉल के सामने गांधी जी की एक मूर्ति लगी हुई है, बैठे हुए गांधी जी मेडिटेशन में। अरे कमाल का कॉन्ट्रडिक्शन है कि मॉल के सामने गांधी जी मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे। मैंने उस पर एक लेख लिखा कि गांधी जी वहाँ बैठ के क्या सोचते होंगे कि अब मैं क्या करूँगा। तो ये जो जो कंज्यूमरिज्म के खिलाफ लड़ाई है ये गांधी का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। कैसे करेंगे, गांधी के पास उसका सूत्र शायद नहीं होगा, क्योंकि गांधी तो उस वक्त इतना देखे भी नहीं थे कंज्यूमरिज्म जितना अभी कंज्यूमरिज्म है। जो गांधी से प्रभावित लोग थे वो तो जीवन में बहुत ही सिंपल रहने की कोशिश करते थे। गांधी के बारे में कहानी मैं आपको बताता हूँ। माउंटबेटन ने गांधी जी को खाने पर बुलाया, उसके पहले उन्होंने बुलाया था नेहरू जी को खाने पर, तो नेहरू जी के लिए बहुत वेस्टर्न स्टाइल का सब कुछ लगाया गया था, खाना तैयार किया गया। नेहरू जी आए, माउंटबेटन ने नेहरू जी के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि चलो खाना खाते हैं, जाके बैठ के खाना खाए। जब गांधी जी आए तो उनको इनवाइट करने के पहले बड़ी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि वो तो पानी से मुँह की उंगली डाल के कुल्ला करते थे, वो कोई सोफिस्टिकेशन बर्दाश्त नहीं करते थे, तो उसके लिए बेसिन लगाया गया कि वहाँ कुल्ला करेंगे। जब आए तो वो अपना खाना लेके आए थे, खाने पर आए थे, और अपना उन्होंने टिफिन बॉक्स निकाला, उसमें चांदी का एक चम्मच जो टूट गया था उस पर धागे से बंधा हुआ था कि टूट गया तो फेंकना नहीं है क्योंकि वो यूज़ करना है उसको। खाना निकाला, उसमें क्या खाना था, तो बकरी के दूध का दही और नीम की चटनी और रोटी। तो माउंटबेटन से कहा कि माउंटबेटन ये खाओ नीम की चटनी, उन्होंने दो चम्मच उनको दे दिया। माउंटबेटन ने सोचा कि जल्दी खा के पानी पी लें ताकि अपना खाना एंजॉय कर सकें, तो उसने एक ही कौर में उसको खा के पानी वानी पी के तैयार हो गए। तो गांधी जी ने कहा ओ लगता है तुम्हें बहुत पसंद आया, थोड़ा और ले। ये गांधी थे। आज की तारीख में भी यदि हम लोगों किसी 5-स्टार होटल में खाना खाने कोई बुला ले तो सबसे पहले अपना ड्रेस व्रेस देखेंगे, ठीक है कि नहीं है, प्रॉपरली जा रहे हैं कि नहीं। एक जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं गया था कि सेमिनार में, तो आर्मी के क्लब में मुझे हम लोगों को खाने पर बुलाया गया, तो मैं उस वक्त केवल कुर्ता पजामा पहनता था, तो कुर्ता पजामा पहन के चला गया।
तो उन्होंने स्लिप दिया मुझे कि जाके कपड़ा बदल के आइए। मैंने क्यों बदल के आऊँ? बोला एक आर्मी क्लब है, यहाँ प्रॉपर ड्रेस में आना पड़ता है। मैंने कहा मैं चूड़ीदार पैजामा पहना हूँ, तो प्रॉपर ड्रेस है यहाँ का। बोला कि नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने बड़ा हंगामा किया वहाँ पे। तो लेकिन ये बड़ी परेशानी थी है कि हम तुरंत कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, हम अपने आप में नहीं हो पाते हैं। हमारा जो कुछ भी है उस पर हम पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। गांधी चाहते थे कि हमारा स्वराज ऐसा हो कि हम जो कुछ भी हैं उसमें हम कॉन्फिडेंट हों, और अपनी बात को जिसको हम सही समझते हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ रख सकें। और इस स्वराज की शुरुआत केवल व्यक्ति से नहीं होनी थी, पूरे सिस्टम के अंदर उसको आना था। जैसे पंचायती राज है, अब पंचायती राज, हमारा एक दोस्त लिखता है किताब, उसने लिखी, उसने किताब में उसके इंट्रोडक्शन में लिखा कि पंचायती राज तो गांधी का सपना साकार कर दिया। और ये गांधी जो इतने रूसो और गांधी का सपना था वो साकार। मैंने क्या बकवास करो यार, पंचायती राज हैज़ बिकम अ सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन। वो तो कुछ थोड़ी है उसमें, अब कोई डेमोक्रेसी थोड़ी वहाँ पे, वो करप्शन का बड़ा अड्डा। वो पंचायती राज इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन, इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन। इट इज नॉट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन। आप देखोगे कि पंचायत के जो मुखिया थे पहले, वो राजदूत पहले चलाते थे, अब वो स्कॉर्पियो चलाते हैं। स्कॉर्पियो इज अ मुखिया कार, मुखिया जीप नाउ। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन है। तो गांधी स्वराज का जो पूरा उनका ताना बाना था, जिसमें व्यक्ति से शुरू होकर पॉलिटिकल सिस्टम तक का स्वराज था, मुझे लगता है वो अनफिनिश्ड रह गया है। उसको दोबारा से देखने की जरूरत है। जब ऐसा हुआ है, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ पंचायती राज के बारे में। खास बात यह है कि जब जब स्टेट ने लोगों से ज़्यादा धन उगाहने की कोशिश की है, तब तक पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया है। अंग्रेज़ों ने जब पहली बार ऐसा किया था तो पहली बार पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोकल ट्रांसफ़र कर दो। विरोधी पार्टियों को, लोगों को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पंचायत लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना मुश्किल हो गया है। ये पंचायती राज जो गांधी का सपना था उसके ठीक विपरीत है। ये तो वो अनफिनिश्ड एजेंडा गांधी का है, एक अनफिनिश्ड पॉलिटिकल एजेंडा गांधी का है, जिसको फिर से हमें कॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ेगा कि कैसे करें। और शायद वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो कॉरपोरेट हाउसेज हैं। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पार्टीज़ के, ये CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और आप, मुझे एक सरदार जी ने बताया, वो सरदार जी पढ़ा लिखा नहीं है, वो 7th पास है, तो उसने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए, बड़ा बिजनेसमैन है वो। तो वो मुझसे पूछने लगा सब कुछ, फिर बोला सर मैं समझता था आपको थोड़ी पॉलिटिकल समझ है, लेकिन आप तो निरे बेवकूफ़ हो। मैंने कहा क्यों? बोला सर बात यह है कि आप समझते हो कि पॉलिटिक्स जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है उल्टा, पॉलिटिक्स अब ऊपर से नीचे जा रहा है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऊपर बैठा हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सरप्लस नीचे तक। तो अब पावर जो है वो सेंट्रलाइज है, सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर पूरा पावर सेंट्रलाइज है। वो मिलने मुझसे इसलिए आया था, वो कह रहा था कि बहुत सारे सरदार हैं कनाडा में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सो आप थोड़ा हमें हेल्प करो। मैंने पूछा क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो कहा क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस करने से अच्छा है चुनाव लड़ना, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उसमें। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल पार्टी का सिनेरियो इस वक्त है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो पूरा CEO का कमांड, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ तक कि लेफ्ट पार्टी को आप देखेंगे, आप एक आवाज़ उठाएं उसके अंदर आप बाहर हो जाएंगे। CPM जैसी पार्टी ने पूरे के पूरे JNU यूनिट को पार्टी से बाहर निकाल दिया, आप इमेजिन कर सकते हैं। JNU जो कि CPM का सबसे बड़ा फीडर था, बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा फीडर था, किस मुद्दे पर निकाला गया? कि ये लोग कह रहे थे कि जो प्रणब मुखर्जी है, इनको प्रेसिडेंट के लिए हम लोगों को वोटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को लाने वाले में से प्रणब मुखर्जी सबसे आगे थे। CPM ने डिसाइड किया उनको वोट करने का, इन्होंने क्रिटिक किया, इस मुद्दे पे पूरे यूनिट को खारिज कर दिया उन्होंने, कोई डिबेट नहीं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई डिबेट ही नहीं हो रहा, कोई संवाद ही नहीं हो रहा। तो गांधी कहते थे कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी की प्रवृत्ति है, ये इंग्लैंड में भी यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है। सो इससे बाहर निकल के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टेट पे अंकुश रह सके। ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, इसलिए जब मैं देखता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन को कि ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इस तरह से लोग, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है,
जिसको पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करने की ज़रूरत है और कॉन्शियस करने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। और मैं अभी बहुत सारी जगहों पे घूम घूम के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देखने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और ये मुझे उम्मीद लगती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज कर रहे हैं जो डायरेक्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन को उठा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं बनानी है। ये अनफिनिश्ड एजेंडा बहुत बड़ा है। अच्छा ओके ओके, दो बातें हो सकती है, जो सवाल आए तो और हम लेंगे उसको, ठीक है। लेट मी टेक दैट, क्योंकि मुझे लगता है बहुत देर तक बोलना भी ठीक नहीं, लोग बहुत बोर हो जाएंगे। तो जब बोर हो जाए तो उठा दें हाथ, क्योंकि मुझे तो बोलते रहने की आदत है, JNU में 2-3-4 घंटे की बहस होती रहती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब लगे कि अब काम ख़त्म हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, तो छोड़ दें। जैसे स्वराज और रिलीजन में फिर एक बार आ जाऊँगा, ऐसे बातचीत के दरमियान नॉन वायलेंस को देखें। नॉन वायलेंस का एक मुद्दा है कि गांधी नॉन वायलेंस की बात करते थे, क्या अभी रेलिवेंट है या नहीं है नॉन वायलेंस? ये जो इतना मिलिटेंसी हो रहा है, इतना आर्म्स स्ट्रगल चल रहा है, इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो उसमें नॉन वायलेंस से काम चल सकता है क्या? तो गांधी इसमें सवाल उठाते थे, कहते थे कि वायलेंस ह्यूमन वजूद को ही चैलेंज करता है, पूरे ह्यूमन वजूद को चैलेंज करता है, और वो आपके अंदर एक गिल्ट खड़ा कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण एक देता हूँ आपको, कि आपका किसी आदमी से झगड़ा हो गया, वो आपके घर की तरफ बंदूक लेके आ रहा है, तो आप क्या समझोगे? किस लिए आ रहा है? मारने आ रहा है? तो आपने यदि उसको मार डाला तो स्टेट आपको पनिश नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट के रूल के हिसाब से क्या है? सेल्फ डिफेंस है। लेकिन यदि आपको ये मालूम हुआ कि वो मुझे मारने नहीं आ रहा था, वो आके कह रहा था ये गन ले लो मुझे मार डालो, ये यदि आपको मालूम हो जाए तो आप क्या करेंगे उसके बाद? फिर क्या करोगे आप? नहीं, मार तो चुके आप, अब तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, लाइफ लॉन्ग अपना हाथ धोते रहेंगे शेक्सपियर के नाटक की तरह कि आपने गलत आदमी को मार दिया, मर्डर कर दिया। मैं लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, कुछ रियल एग्जांपल लेता हूँ। मैं बस से जा रहा था गांव में, बस में सीट मेरी रखी हुई थी, बस के नीचे मैं उतरा था, एक आदमी आके उस पर बैठ गया, मैं वहाँ गया तो वो मुझसे लड़ने लगा। तो मेरे साथ जो लड़के थे उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे लड़ाई कर रहा, पीटो इसको। तो मैंने रोका, उन्होंने पीटो मत, पहले बात तो करो अच्छे से, उसको बैठने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तब तक दो लोग दौड़ते हुए आए, बोले अरे उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसको हम लोग लेके जा रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल। यदि उसको मार दिया होता उस वक्त तो हमारी क्या हालत होती? तो गांधी कहते भाई ये समझने की कोशिश करो, यदि वो मारने भी तुम्हें आ रहा है तो तुम 100% एक तो कॉन्फिडेंट नहीं हो उसके मारने आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि वो नहीं मारने आ रहा तब तुम क्या करोगे? तो इस गिल्ट से बचने के लिए उसे ही मारने दो मुझे, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद वो तो बदल जाएगा पक्का। यदि तुम खड़े हो ज़्यादा टाइम, तुम उसे नहीं डर रहे हो, उसको मारने आने दे, ज़्यादा चांस ये 90% चांस है वो तुम्हें नहीं मारेगा। ये रियल एग्जांपल उंगली माल का है, बुद्ध और उंगली माल का है, आप सब उस कहानी को जानते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा रियल एग्जांपल मैं देता हूँ इसका, ये सब एब्स्ट्रैक्ट कहानियाँ नहीं हैं, एक फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था, अग्निसाक्षी एक फिल्म है, देखिए आपने नाना पाटेकर की। तो उसमें एक उसकी पत्नी है जो उसको बहुत टॉर्चर करता है, वो भाग जाती है और किसी और के साथ रहती है, फिर बाद में वो अपना आइडेंटिटी को बदल लेती है, नाना पाटेकर उसको पहचान जाता है और मुकदमा करता है कि मेरी पत्नी है। कोर्ट ने फैसला दे दिया कि तुम्हारी पत्नी नहीं है, और आखिरी सीन में वो लोग उतर रहे हैं सीढ़ियों से तीनों लोग, और उसके आजू बाजू में पुलिस खड़ी है, वो पुलिस के कमर से रिवॉल्वर ले लेता है और इन दोनों की तरफ तान देता है। पूरा ऑडियंस स्तब्ध है, अब ये क्या करने वाला है? ज़्यादातर लोग ये सोच रहा है कि या तो उसको मारेगा एक लड़की को, या लड़के को मारेगा, ज़्यादा चांस है कि वो लड़की को ही मार दे, और सब लोग सोच रहे हैं किसी से इसको पकड़ लिया जाए ताकि वो मार ना सके, लेकिन वो खुद को ही मार लेता है। ये संभावनाएं बनती हैं, यदि 50% भी इसकी संभावना है तो गांधी कहेगा कि प्लीज़ होल्ड करो अपने आप को, वायलेंस को होल्ड करो, यदि तुम वायलेंस को होल्ड करते हो तो ज़्यादा चांस ये है कि वो वायलेंस नहीं होगा, इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं।
तो गांधी का नॉन वायलेंस भी एक तरह का यूटोपिया नहीं है, वो रियल है, क्योंकि गांधी इंसान को बेहतर समझ रहे हैं, इंसान के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि इस बात की संभावना है कि ये जो वायलेंस क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो सकता है। ये नॉन वायलेंस भी गांधी का अनफिनिश्ड एजेंडा है। मैं तो यहाँ तक आर्ग्यू करता हूँ कि टेररिस्ट जो लोग हैं, जिसको आप टेररिस्ट कहते हैं, उनके अंदर भी पूरी संभावनाएं हैं कि वो नॉन वायलेंट हो जाएं, और होते ही रहे हैं। कई फिल्मों में मैं जिक्र कर सकता हूँ कैसे वो टर्निंग पॉइंट आ जाता है, वो नॉन वायलेंट हो जाते हैं। तो गांधी का ये जो एजेंडा है नॉन वायलेंट सोसाइटी का, जिसमें हम संवाद के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करें, वायलेंस से नहीं करें, और कांस्टेंट संवाद के द्वारा समस्याओं का समाधान करें, ये एक ग्लोबली अनफिनिश्ड एजेंडा है, ग्लोबली अनफिनिश्ड एजेंडा है। और इसके कारण ही आज की तारीख में गांधी का ग्लोबल इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि एक स्टीफन हॉकिंग हुआ करते थे साइंटिस्ट, वो एक बार स्पेस में चले गए। लोगों ने उनसे पूछा कि यार आप क्यों स्पेस में चले गए, इतनी परेशानी आपको ऑलरेडी फिजिकल है। तो उन्होंने कहा कि मरने के पहले मैं देखना चाहता था कि अगले सेंचुरी में इंसान रहेगा कैसे, क्योंकि पृथ्वी तो रहने के लायक है नहीं, रहेगा नहीं। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं रहेगा रहने के लायक, बोला और तो जो कारण है इकोलॉजी वगैरह कारण तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण वायलेंस होगा, क्योंकि इंसानों को मारने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सस्ता होने वाला है। अभी बैठे बैठे इस पूरे कमरे में सब लोगों को मारा जा सकता है, सिर्फ एक छोटे से कीटाणु को छोड़ के, ये जो अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, एक छोटा सा गैस प्रोड्यूस करके सब लोगों को मारा जा सकता है। और पहले ये स्टेट कंट्रोल में रखता था, अब ये स्टेट के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जब स्टेट के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और इंसानों में इतना गुस्सा है और इतना जो एंग्जाइटीज़ हैं, तो इंसान एक दूसरे को मारने लगेंगे, और ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी रहने के लायक जगह नहीं होगी। तो दुनिया को गांधी की ज़रूरत इसलिए है कि यदि आपको एंग्जाइटी है, गुस्सा है, तो आप इंसान को मारने के बदले डायलॉग से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी इंसान सर्वाइव कर सकता है। यदि आप पॉलिटिक्स ऑफ अनकंडीशनल लव नहीं करोगे तो ह्यूमैनिटी खतरे में है। ये बात अब दुनिया भर के सारे फिलॉसफर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े फिलॉसफर्स बाहर आके कह रहे हैं कि जिस फिलॉसफी को हम अभी तक प्रोपगेट कर रहे थे, जो ऑब्सेसिव सेल्फ है, ऑब्सेसिव सेल्फ का मतलब हुआ कि आत्म केंद्रित जो चिंतन है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे इर्द गिर्द सब कुछ ठीक होना चाहिए, जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है कंज्यूमरिज्म के इसमें, ये ऑब्सेसिव सेल्फ जो है वो वायलेंस को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अमेरिकन स्कूलों में आप देखेंगे कि कोई बच्चा अचानक आता है 10-12 लोगों को मार डालता है, ये ऑब्सेसिव सेल्फ पैदा हो गया है। उसकी जगह पे क्रिएटिव सेल्फ बनाने की ज़रूरत है, और दैट्स गांधीज आर्ग्यूमेंट। वो क्रिएटिव सेल्फ क्या है? जो अनकंडीशनल लव कर सके, जो रिलेशनल सेल्फ है हमारा, कि हम आपसे रिलेटेड हैं, ये सब पूरी दुनिया हमसे रिलेटेड है। ये जो कंडीशनल, ये जो अनकंडीशनल रिलेशनशिप है, जब हम इसको समझने लगेंगे तो वायलेंस अपने आप कम हो जाएगा। आप देखेंगे उन शहरों में रेप ज़्यादा होता है जहाँ रिलेशनल डायमेंशन कम होता जा रहा है। उन शहर जैसे मुंबई के बारे में बात हो रही थी, अब मुंबई कर यदि ट्रेन में चल रहे हैं, वहाँ रिलेशनल सेल्फ बन रहा है, तो ऑब्वियसली वायलेंस वहाँ पे थोड़ा कम होगा। दिल्ली में वो रिलेशनल सेल्फ ब्रेक कर गया है पूरी तरह से, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उसके बीच में भी रिलेशनल सेल्फ नहीं है। यदि वैसा रिलेशनल सेल्फ नहीं है तो वायलेंस का होना लाजमी है, वो होगा ही होगा। एक बड़ा फेमस ऑथर अभी हुआ है, जैसे हम अपने आप को आपसे जोड़ के देखें, आई एक वर्ड है उबंटू, जो कहते हैं आई एग्जिस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट, यदि आप नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, मेरा कोई वजूद नहीं होगा। पेड़ नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें पेड़ को बचाना है, तो हम सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे स्टूडेंट है, तो यदि स्टूडेंट नहीं हो तो टीचर का क्या काम है? हम हैं क्योंकि आप हो, हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं मेरे होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो तभी हम हैं, आप नहीं होंगे तो हम होंगे ही नहीं यहाँ पे। तो ये रिलेशनल सेल्फ है कि हम एक दूसरे से अपने आप को रिलेट करके देख सकें हम, और रिलेशनल सेल्फ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बारे में ऑब्सेस्ड ना हों, हम आपके बारे में सोचें कि आपका बेहतरी किस में है,
ये जो अनकंडीशनल लव आपके बारे में मुझे है, ये हिंदुस्तान इंसानियत को बचा सकता है। यदि ये नहीं होगा तो फिर इंसानियत वायलेंस में जाने की पूरी संभावना बनती है, और यदि वायलेंस में अब यदि इंसान जाएगा तो इंसान के पास मास किलिंग की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सस्ती भी हो गई है, तो मास किलिंग्स होने शुरू हो जाएंगी आने वाले टाइम में, इसकी बड़ी संभावनाएं बन रही हैं आने वाले टाइम में। और भी कई संभावनाएं बन रही हैं। एक ऑथर है, फ्रेंच राइटर है, ऑल बैक, मैं चाहता हूं कोई ट्रांसलेट करे उसको, उसकी एक किताब है अभी भी आई है कुछ दिन पहले, एटोमाइज्ड। वो कहता है कि ये इंसान जो है वो एटॉम की तरह होता जा रहा है, आइसोलेटेड इंडिविजुअल होता जा रहा है, और अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें जीनोम एडिटिंग की बात हो रही है, डिज़ाइनर बेबी की बात हो रही है, ये सब चीज़ें यदि होने लगेंगी तो वो और भी एटोमाइज हो जाएगा। तो वो कहता है, अपने बारे में बताता है कि मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे से सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, हज़ारों फ्लैट्स हैं, और इन फ्लैट्स में सिंगल लोग रह रहे हैं, दो लोग भी नहीं रह रहे हैं। वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि किसी के साथ रहने को तैयार ही नहीं हो पाते हैं, वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। 70% ऑक्यूपेशन फ्रांस के उन बड़े कॉलोनीज में सिंगल ऑक्यूपेशन है, एक व्यक्ति रहता है सिर्फ उसमें, इतना ज़्यादा एटोमाइज हो गया है। मतलब ये जो एटोमाइजेशन है ये किलिंग है, ये वायलेंस को प्रमोट करेगा। उसके बदले यदि गांधी से पूछते तो गांधी कहता है आश्रम बना लो, वहाँ रहो तो ज़्यादा तुम बेहतर रह सकते हो और दूसरा भी तुम्हारे बेहतर रह सकता है। ये मुझे लगता है कि एटोमाइज सेल्फ के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई अनफिनिश लड़ाई है, वायलेंस के खिलाफ जो लड़ाई है गांधी की वो अनफिनिश लड़ाई है, पॉलिटिकल डोमिनेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो अनफिनिश लड़ाई है, जो स्वराज के लिए लड़ाई है वो अनफिनिश लड़ाई है, ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीजन के लिए जो लड़ाई है वो अनफिनिश लड़ाई है। ये सारी लड़ाइयाँ गांधी की अनफिनिश्ड हैं, इसीलिए वो गांधी कोई फिलासफर ऑफ पीस नहीं है बल्कि फिलासफर ऑफ स्ट्रगल है मेरे ख्याल से। और यहीं मैं अपनी बात को अभी रोकता हूँ, फिर सवाल जवाब के साथ हम लोग बात करें।